Hello students, good morning. This side Pooja Gupta and you are watching my channel. Welcome to my channel. Today we'll discuss about the current affairs. July month ke current affairs chal rahe hain. Very important session hai kyunki current affairs nahi karenge to aapko session ka pata nahi chalega. To meri aapse request hai ki jitna bhi current affairs hai kyunki isse questions aate hain aur hamare maximum papers mein click galat hote hain. तो अगर आप हम कर रहे हैं जुलाई मंथ का, फिर नेक्स्ट अगस्त सितंबर, ऐसे हम करंट अफेयर्स करते रहेंगे, तो डू वॉच करंट अफेयर्स. अगर आपको चैनल और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी के साथ शेयर कीजिए. और साउंड प्रॉब्लम के लिए मैंने पहले भी कहा कि गिव मी टू डेज, जो प्रॉब्लम आई है उसको रिकवर करने की कोशिश हम पूरी करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. ये जुलाई के ही चल रहे हैं, 21st के हैं, ठीक है. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके आगे है, अमराबाद टाइगर रिजर्व विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड एट विच प्लेस और विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी. लेट मी क्लिक टेक द पेन. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी. सबसे पहली चीज, ये क्यों बना रहा है? टाइगर रिजर्व है तो अमराबाद में जो है अभी रिसेंटली 14 टाइगर्स जो हैं देखे गए हैं. 14 टाइगर्स जो हैं दे आर प्रोटेक्टेड. टाइगर रिजर्व जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से जो 5 हैं वो मेल हैं, 7 फीमेल्स हैं, जिसमें से कुछ का अभी पता नहीं चल रहा, अदर्स का अभी कुछ पता नहीं है. तो इनके बारे में, ये टाइगर्स के प्रोटेक्शन के बारे में चला है कि ठीक है. देखिए 2019-20 में यहाँ पे 12 टाइगर्स देखे गए थे और अब जो है इसकी क्वांटिटी जो है वो 14 टाइगर्स की कर दी गई है. तो जिसकी वजह से 2 को अभी तक क्लासिफाई नहीं किया गया, इट्स जस्ट टू प्रोटेक्ट, राइट. तो सबसे पहली चीज, केरला में है? नहीं. आपका आंध्र प्रदेश में है? नहीं. हिमाचल प्रदेश में है? नहीं. आंसर इज तेलंगाना. आंसर क्या है आपका? तेलंगाना. केरला में जो है दैट इज परम बिकुलम टाइगर रिजर्व, सेकेंड है ये. सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है इसका हम बोल दे सकते हैं नागा अर्जुन सागर. श्री सलम ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में. सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व वो है आपका नागा अर्जुन श्री संगम में. फिर आता है आपका पेरम्बिकुलम, और आपको पता है हिमाचल में नहीं है, पर हिमाचल का जो नेशनल सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और हिमाचल का स्टेट एनिमल भी क्या है? स्नो लेपर्ड. तो ये जो है अमराबाद टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? आपके तेलंगाना में. जो क्यों बना रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है 2021 में 14 टाइगर्स जो है हमें यहाँ पे मिले हैं, जिसमें से 5 मेल हैं एंड 7 फीमेल्स, जो जिसमें से 2 जो हैं क्लासिफाई नहीं किए गए हैं. तो अब आता है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय द इंडियन नेवी टू प्रोटेक्ट इंडियन वेसल्स इन द गल्फ रीजन. खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? इंडियन नेवी. करमबीर चीफ कौन है? मिस्टर करमबीर नाबा. ठीक है, 3 इयर्स का सेशन होता है और 62 इयर्स में जो पहले आ जाए कौन चुनता है? प्रेसिडेंट, राइट. गल्फ रीजन्स में अभी पीछे जो है ऑयल लीकेज हुई थी, तो ऑयल लीकेज को अब क्या कर दिया गया है? ये जो इंडियन नेवी ने जितने भी इंडियन वेसल्स हैं वहाँ पे गल्फ रीजन में पीछे ऑयल लीकेज हुई थी, उसको प्रॉपरली कवर्ड किया गया है, उसको सेव करने के लिए जो है एक ऑपरेशन चलाया गया है. ताकि जो ये ऑपरेशन पहले से चल रहा है 2019, क्योंकि तब से ऑयल लीकेज हुई थी, तो अब जो है इसको फिर से पेट्रोनाइज किया गया है, जिसमें से 14 जो है आपके 16 फ्लैगशिप वेसल्स को टर्न आउट किया गया है. तो ये क्या है? ऑपरेशन वनीला. ऑपरेशन वनीला जो है दैट इज टू गिव, जिसको आप बोल सकते हो, ये था मेडगास्कर में. मेडगास्कर में जब आपका, इट्स कॉल्ड एज अ रिलीफ, मेडगास्कर में जब आपका वो आया था साइक्लोन या फ्लड आया था, जिसकी वजह से वहाँ पे मेडगास्कर में रिलीफ देने के लिए जो ऑपरेशन चला था दैट इज ऑपरेशन वेनेला.
मेडगास्कर नहीं है, ऑपरेशन पर्पल, हु और पर्पल का मतलब है हु ऑल सर्व। ये जो है ये जितनी भी मिलिट्री कम्युनिटी है उसमें जो जितने भी फैमिली प्रोग्राम्स हैं उनके लिए ये कैंप चला है, कैंप चलाया गया था जिसको बोला जाता है ऑपरेशन पर्पल। ऑपरेशन क्रूड इज फॉर ऑयल लीकेज या ऑयल जो आपकी ऑयल्स के लिए हैं, ऑपरेशन क्रूड ऑयल्स के लिए हैं। वनीला आंसर इज संकल्प, संकल्प लिया गया है कि जितने भी गल्फ रीजन्स हैं वहाँ पे ऑयल लीकेज को होने नहीं देंगे और आने वाले टाइम पे जो है आपकी प्रोटेक्शन जो है वेसल्स की प्रोटेक्शन की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी एक सेकेंड, व्हाट इज द न्यू नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी लद्दाख अकॉर्डिंग टू 370 आर्टिकल। पहले जम्मू एंड कश्मीर ख़त्म था, मतलब हमारा स्टेट था, लेकिन आर्टिकल 370 के ख़त्म होने के बाद हमारी जो है जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन गई है और आपकी लद्दाख भी जो है जम्मू एंड कश्मीर से दो यूनियन टेरिटरीज निकली, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और इनका जो हाई कोर्ट था पहले वो क्या कहलाता था, कॉमन हाई कोर्ट फॉर यूटी जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी लद्दाख। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जो आपके बोले जा सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ किसके अंडर आता है, किरण रिजिजू। पहले ये क्या थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अब क्या है, लॉ एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जो हैं ये आए हैं। तो मिस्टर कोविंद ने जो है अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जम्मू रीऑर्गेनाइजेशन को दोबारा से रिबूट किया है और 2024 का ये एक्ट लगाया है जिसमें ये कह दिया गया है कि अब जो ये कॉमन हाई कोर्ट जो ये नाम दिया गया ना, कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख, इसका सीधा नाम कर दिया गया है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक वो है। और ये याद रखना किरण रिजिजू इज द मिनिस्ट्री, कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। पहले किस पे थे ये, स्पोर्ट्स में थे, लेकिन अब स्पोर्ट्स में क्या आ रहा है, यूथ अफेयर में, अब कौन है, अनुराग ठाकुर। तो ये क्वेश्चन आई होप क्लियर है आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री इज द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन होस्ट इन 2021। हाल ही में जो एशिया अपेक जिसको बोलते हैं, इसमें किस कंट्री ने हाल ही में जो है 2021 में होस्ट किया है, चाइना नहीं, इंडिया नहीं, यूएस नहीं, दैट इज इन न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड ने जो है हाल ही में इसको होस्ट किया है। और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन का मतलब क्या है, टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है, आफ्टर पेंडेमिक्स, ठीक है। तो इसमें जो है नवंबर में भी इसकी होस्टिंग है, वर्चुअली मीटिंग होगी और इसमें कौन कौन जुड़ेगा, जो बिडेन यूएस प्रेसिडेंट, यूके प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड चाइना जिनपिंग, ये सारे जुड़ेंगे वर्चुअली, और जिसमें जो है इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया जाएगा पैसिफिक रीजन में। तो आंसर इज न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट मॉन्क फ्रूट कल्टिवेशन एक्सरसाइज रिसेंटली बिगिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि पहला मॉन्क फ्रूट, मॉन्क का मतलब होता है दैट इज रिलेटेड टू बुद्धा, मॉन्क फ्रूट जिसमें नॉन कैलोरिक वैल्यू है, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, चाइना से लिया गया है। तो ये जो फ्रूट है ये कहाँ पे जो है, इसके सीडलिंग्स को पहले CSIR ICAR पालमपुर में ग्रो किए गए और उसके बाद इसको जो है लगाया जा रहा है। तो ये किस, जब आपकी बात CSIR और ICAR की बात पालमपुर की आ रही है तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा आपका, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट मॉन्क फ्रूट, क्यों, क्योंकि ये चाइना में लगता है, तो इसको जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पहले CSIR में इसके सेल्स को टेस्ट किया गया है एंड देन उसके बाद जो है इसको डील किया जाएगा किसके साथ, मतलब वहाँ पे सीडलिंग्स को ग्रो किया है एंड लेटर ऑन जो है ये आपका
हिमाचल में ग्रो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गूगल अनाउंस सेकेंड गूगल क्लाउड रीजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। गूगल ने हाल ही में सेकेंड गूगल क्लाउड रीजन जो है वो अनाउंस किया है, तो ये किस रीजन में किया है, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर दिल्ली एनसीआर। देखिए ये क्या करेगा, ये सर्व करेगा गूगल क्लाउड पब्लिक सेक्टर्स को, ठीक है। पहला जो था वो गूगल क्लाउड मुंबई में खोला गया था, अब जो है सेकेंड गूगल क्लाउड वो कहाँ पे खोला जा रहा है, दिल्ली एंड एनसीआर रीजन, इट्स द फुटप्रिंट, ठीक है। और इसमें जो है कस्टमर्स को डील किया जाएगा गूगल क्लाउड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिसेंटली डेवलप्ड ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम NBD ड्राइवर, इसका मतलब है नेबरहुड ड्राइवर, नेबरहुड ड्राइवर, पहले चीज इसको समझ लीजिए। क्या किया है, किस इंस्टीट्यूशन ने आर्टिफिशियल एल्गोरिदम, ये आर्टिफिशियल एल्गोरिदम जो है दैट इज द मैथमेटिकल टूल टू फाइंड द सेल्स ऑफ कैंसर, टू फाइंड द सेल्स ऑफ कैंसर। तो ये जो आर्टिफिशियल टूल है NBD ड्राइवर, ये क्या करेगा, ये टूल ये डायग्नोज करेगा आर्टिफिशली कि कौन से पैसेंजर्स हैं और कौन से ड्राइवर्स जो हैं दे कंटेन म्यूटेशंस ऑफ कैंसर, मतलब कौन से ऐसे सेल्स हैं, मतलब ये जो एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो सेल्स को काउंट करेगा कि कितने सेल्स जो हैं वो कैंसर से ट्रीटेड हैं, और इसमें जो है बेसिकली ड्राइवर और पैसेंजर का रिलेशन बताया कि कितने पैसेंजर्स हैं, कितने कैरी करते हैं और कितनों के अंदर म्यूटेटेड कैंसर सेल्स आ चुके हैं। तो ये जो डेवलप किया है, दिस डेवलप बाय IIT मद्रास, कहाँ पे है, चेन्नई में, IIT मद्रास, कब बना था, 1959 में, ठीक है, जिसमें से आपके जो है कब बना था, 1959 में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये कैंसर सेल्स को करने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रीसेंट WWF या यूनेप रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइगर रेंजेस आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब WWF वर्ल्ड वाइड फंड या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के थ्रू जो है ये आपका क्या बताया गया है कि जो इंडिया में टाइगर रेंजेस हैं वो आउटसाइड प्रोटेक्टेड संरक्षित क्षेत्रों से कितने बार, भारत के बाघों का कितना प्रतिशत संरक्षण क्षेत्रों से बाहर है, मतलब जो प्रोटेक्टेड एरिया से उनसे कितना है, दैट इज 35%, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ये किस में बताई गई है, अब फ्यूचर एक फाइल की गई है, दैट इज फ्यूचर फॉर और नीड फॉर ह्यूमन रेस, जिसमें बताया गया है कि जो टाइगर्स हैं वो 35% जो हैं इंडिया से बाहर हैं, जिसमें 70% और 40%, 70% जो है दैट इज अफ्रीकन रेंज एंड इट इज एशिया अफ्रीकन एशियन, ठीक है। ये जो एरियाज हैं दे आर आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज, और किसमें किया गया है इसको फाइल, किसमें किया है, फ्यूचर फॉर और नीड फॉर ह्यूमन रेस, तो आंसर इज 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रॉट द इंडियन हिस्ट्री बुक या इंडियन स्टोरी, कि कौन से ऐसे निम्नलिखित, इनमें से कौन सा निम्नलिखित पर्सनालिटी है जिसने इंडियन स्टोरी लिखी है, वाई वी रेडी, ये 14th फाइनेंस कमीशन के जो है हेड रह चुके हैं, तो ये नहीं है। सुब्बा राव वॉज द 22nd गवर्नर, RBI गवर्नर, रघुराम राजन जो है ये 23rd रह चुके हैं गवर्नर, तो आंसर इज बिमल जलन, बिमल जलन ने जो है ये फॉर्मर RBI गवर्नर है, जो अभी कौन है, हमारे शक्तिकांता दास। देखिए RBI से कोई ना कोई क्वेश्चन आजकल चल ही रहा है, तो उसको भूलना मत, और इंडियन स्टोरी किसने, बुक से आते ही हैं, तो बिमल जलन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following states recently announced to introduce one block one product scheme in the state?
एक प्रोडक्ट, इसमें जो है प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, और ठीक है प्रोडक्ट्स को जो है मतलब जो स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं, जो कस्टम प्रोजेक्ट्स हैं, उनको जो है इम्पोर्टेंस दी जाएगी कि एक ब्लॉक में एक ही प्रोडक्ट्स की, आपकी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब या उत्तर प्रदेश। हाँ मतलब जितने भी इंडिजिनस स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, तो वो आएगा आपका उत्तर प्रदेश। आंसर ना तमिलनाडु है, ना महाराष्ट्र, ना पंजाब, आंसर इज उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ड्रोन रूल्स ऑफ आपका 2021 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड या रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री पब्लिक कंसल्टेशन। ड्रोन रूल्स मतलब ड्रोन रूल्स का मतलब क्या है कि ड्रोन करना, जैसे आप इसमें ये बोल सकते हो पब्लिक की मतलब जितने भी अनमैंड एयरक्राफ्ट्स हैं उनको हटाने के बाद ड्रोन से जो है सारी एरियाज को नोटिफाई किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट किसके अंदर आती है? भूपेंद्र यादव। पहले कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर, जिनको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है कैबिनेट से, तो ये नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिफेंस से तो आपके राजनाथ सिंह है, और सिविएशन, तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविएशन, जो कौन है? ज्योति राव सिंधिया। ठीक है, आंसर इज ज्योति राव सिंधिया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आई थिंक इट्स इनका नाम है, वन मिनट लेट मी चेक, एक सेकेंड रुक जाइए, नाम मैं उसका भूल गई हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो ये आते हैं आपके वन मिनट, अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं तो मैं एक मिनट इसका, मुझे इट्स कॉल्ड एज देवन सिंह जिस सिंह चौहान, आई थिंक एक सेकेंड, लेट मी आई टेल यू लेटर ऑन, जस्ट वेट। ठीक है, आई टेल यू लेटर ऑन, जस्ट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द फर्स्ट नॉर्थ एंड ईस्टर्न स्टेट टू प्रपोज द लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट कैटल्स, बताइए जल्दी। दिस इज कॉल्ड अश्वनी वैष्णव, क्या आएगा इसका नाम? जो पिछला क्वेश्चन था, सॉरी फॉर द डिले, आंसर इज, कई बार क्या होता है नाम भूल जाते हैं, अभी अश्वनी, सॉरी वन मिनट, अश्वनी वैष्णव। ये इसलिए बताएं ताकि साथ साथ आपको लर्न हो जाए, जो याद नहीं आ रहा था, अश्वनी वैष्णव। और क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविएशन में थे हरदीप पुरी थे पहले, ठीक है, इनको हटा दिया गया है, अब हरदीप पुरी नहीं है। अब जो इनको नया इंट्रोड्यूस किया गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अब किसको नया इंट्रोड्यूस किया गया है? ज्योति राव सिंधिया को अपने कैबिनेट में इंट्रोड्यूस किया, एंड ही बिकम द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका, Which is the first northern eastern state to propose the legislation to protect cattle? इसमें से कौन सी पहली उत्तर पूर्वी राज्य है जिसने legislation, जिसने cattle को, मतलब जैसे cattle को slaughter किया जाता है, ill treat किया जाता है, उसको बंद करना, ban किसने लगाया है? तो मिजोरम, आसम, मेघालय या सिक्किम? तो answer is असम, हेमंत बिस्वा। इन्होंने जो है आपके असम का जो है, असम ने लगाया, उसके बाद कर्नाटका में भी लगाया है कि भी इलीगल जो है वो नहीं तोड़ा, मारा जाएगा, जिसने भी मारा उसको जो है फाइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज, व्हाट इज असादी बीज दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली? क्या है अषाढ़ी बीज जो हाल ही में देखा गया? जी आई ट्रैक, नो।
नेम ऑफ द टनल नहीं, मेज ऑफ द, दिस इज कच्छ न्यू ईयर। हर अषाढ़ के महीने में जो है कच्छ का जो है फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें जो है दैट इज टू एंटरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन का स्वागत करने के लिए जो है ये अषाढ़ी मनाया जाता है, अषाढ़ी बीज, ठीक है। और कहाँ पे मनाया जाता है, कच्छ, क्योंकि ये क्या है, सॉल्ट डेजर्ट है, तो वहाँ पे अगर ये होती है तो इट्स जस्ट टू कि भाई मॉइस्चर, कि भाई सॉइल के अंदर जो है या डेजर्ट के अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ चुका है, उसकी खुशी के लिए ये मनाया जाता है। अगर कोई भी, फिर कह रही हूँ पहली चीज़ उस क्वेश्चन के लिए सॉरी, बट गलत नहीं बताना था। वाल्मीकि नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज ओनली द नेशनल पार्क ऑफ द स्टेट, कि जो आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो एक ही पार्क है स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड या फिर आपका क्या बोलते हैं इसको, झारखंड। बताइए, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड नहीं, झारखंड नहीं, आंसर इज बिहार। बिहार में सिर्फ वाल्मीकि नेशनल पार्क ही है जो एक सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है, वो कहाँ पे है, बिहार में, ठीक है। और ये क्यों बना रहा था, क्योंकि यहाँ पे 150 वल्चर्स जो हैं, 150 वल्चर्स ऑफ डिफरेंट रेंज, डिफरेंट एरियाज को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है और फाउंडेड भी है, मतलब यहीं पे मिली है, 150 वल्चर्स के कारण जो है ये आजकल फेमस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म दैट हिट क्यूबा, क्यूबा की कैपिटल है हवाना, तो क्यों, एल्सा, बेल, डेनी या एरन। तो रिसेंटली जो है क्यूबा में एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया है जिसने हवाना के एरियाज को पूरी तरह से डैमेज किया है, ठीक है, मैक्सिमम डैमेज हुआ है, तो ये है आपका एल्सा, कौन सा है आपका, एल्सा, राइट आंसर इज एल्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च आयुर्वेदा डाटा सेट ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया CTRI पोर्टल, कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने आयुर्वेदा का डेटा सेट जो है क्लिनिकल ट्रायल्स में इंट्रोड्यूस किया है, वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज कॉल्ड मांडव्य, ठीक है, मुकुंद मांडव्य। देन उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT में मैंने आपको बोल दिया है कौन है, अभी मैंने बताया अश्वनी, ठीक है। आयुष के जो है वो है सर्वानंद सनोवाल, सनोवाल। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो पहले, इनके पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेस भी हैं, पर साइंस एंड IT जो पहले हर्षवर्धन के पास था, हर्षवर्धन के पास था, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास, तो अब क्या है, जितेंद्र सिंह के पास आ गया। तो आंसर क्या आएगा इसका, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन्होंने जो है आयुर्वेदा डेटा सेट बनाया है, ठीक है, पोर्टल, ताकि लोगों को अवेयर कर सके आयुष, मतलब आयुर्वेदा के बारे में। Which country hosted the Cowin Global Conclave? US, India, Canada या Australia? Answer is, और किसने represent किया है? Mr. Modi ने किया है, जिसमें जो है Cowin के बारे में बताया गया है और Cowin से related जितने भी कहते हैं ना activation vaccines के बारे में, कि कितनी vaccine doses को जो है clarity मिली है, तो ये जो है वर्चुअली किसने अटेंड किया है इंडिया में, किसने किया है, आपके मिस्टर मोदी ने। तो आज का सेशन जो था इतना था, अगर कोई डाउट लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, पहली चीज़ कि अगर कोई भी गलती होती है तब भी माफ़ करना, ये आपके करंट अफेयर्स हैं, कोई भी क्वेश्चन है उसमें से पेपर में आएगा, तो डोंट फॉरगेट कि आप इनको देखिए, अगर फिर भी कोई कमी लगती है, अगर करंट अफेयर्स में आपकी कोई कमी लगती है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि करंट अफेयर्स में ये कमी है, ताकि हम उन कमियों को पूरा कर सकें। आपका सपोर्ट मेरी इंस्पिरेशन, तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं साउंड के लिए माफ़ी चाहूँगी, पर 2 दिन दीजिए, साउंड अपने आप, कोशिश पूरी करूँगी कि जिस चीज़ की कमी मुझे लग रही है, एक बार वो ठीक हो जाए तो लेट इट बी कि हो जाए ठीक,
नेक्स्ट आपसे जो है, अब आपके करंट अफेयर्स ये वीक के हैं और संडे को जो है इसकी प्रैक्टिस होगी। संडे को जितने भी हमने करंट अफेयर्स किए हैं उसमें कुछ नए ऐड होंगे, तो ये प्रैक्टिस सेशन चलेगा। तो आपका जो है करंट अफेयर्स 11 जुलाई के चल रहे हैं, तो प्लीज़ जुलाई मंथ के ना भूलना मत, देखना जरूर वीडियो को। और अब आपका सिर्फ इतना सा काम है, मेरी तरफ से आज का सेशन इतना ही था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है और मेरे साथ जुड़ना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए जब आप देखते हैं, और शेयर भी कीजिए। फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज एज ए पूजा गुप्ता पेज, और ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, एंड ऑन टेलीग्राम पूजा गुप्ता चैनल, एंड द ग्रुप इज लेट्स लर्न विद मी, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स लर्न विद मी के साथ जुड़िए और पूजा गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ अगर आपको जुड़ना अच्छा लग रहा है और पढ़ना कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी गलती होती है तो माफ़ी चाहती हूँ। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। दिस साइड पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बटन ऑफ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।